आज मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। आज कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 का अध्यादेश लेके आए हैं। इसमें जो हमारी प्राधिकृत कॉलोनियां हैं उनका विकास, जो अवैध के रूप में मानी जाती थी जिसके कारण से वहां पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत विकास नहीं कर पाती थी, बिजली की दिक्कत, वो भी आज पारित किया। और इसी तरह से FAR जो 10 का बढ़ाकर 20% का था उसे आज बढ़ाकर 30% का किया है FAR को। और वही हाइट जो थी वो हाइट में भी छूट देने के लिए आज सहमति बनी है। अगर वो फायर जैसी अनेक चीजों की शर्तों को फुलफिल करता हो तो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुख्य सचिव, सभी विभागों के ACS और प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मंत्री हर सोमवार को रोडमैप के अनुसार साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक समीक्षा करेंगे। हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप पहले से तैयार है। इसका जो समय सीमा थी उसे अब समय सीमा में पूरा करना है। हर सप्ताह मैं मंत्रीगण प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक रोड मैप बनाएंगे, मासिक बनाएंगे और त्रैमासिक बनाएंगे। और इस रोड मैप की समीक्षा प्रत्येक सोमवार को सम्मानित मंत्री, उनके ACS, PS इस काम को देखेंगे। अंतर विभागीय मामले हैं, उन विभागों के मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सोमवार को वो रखेंगे। गुणवत्ता के काम अगर हुए हैं तो उनके भुगतान में विलंब न हो, इस बात को भी देखने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।